एक शहर में प्रणव नाम का आदमी अपनी बीवी सोना के साथ रहता था। प्रणव और सोना पास के एक कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। एक दिन कॉलेज से घर आने पर सोना बड़ी ही परेशान थी। सोना, अरे डार्लिंग, क्या हो गया? आज लंच टाइम में कोई टीचर नहीं मिली चुगली करने को? क्या हुआ? क्या जी, आप भी? मैं आज मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हो। कभी तो ठीक से बात करो। अरे, तुम मुझ पर क्यों बरस रही हो? कोई परेशानी है क्या? मुझे तो बताओ क्या परेशानी है। परेशान लग नहीं रही, बल्कि सचमुच में परेशान हूँ। अरे, तभी तो तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ। अब क्या बताऊँ आपको, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग थी, लेकिन मेरा मोबाइल नेटवर्क चला ही नहीं। ओहो, तो ये बात है, अभी उपाय निकाल देते हैं। तो जल्दी बताइए ना, पंडित से मुहूर्त निकालेंगे क्या? अरे मेरी जान, इतना नाराज मत हुआ करो, टमाटर लगती हो टमाटर। वैसे मैं ये कह रहा था कि हम वाईफाई लगवा लेते हैं, क्यों, ठीक रहेगा ना? क्या कहती हो? हाँ, यही सही रहेगा। और सुनिए, मैं टमाटर नहीं लगती हूँ, समझे? ऐसा मत करिए। हाँ हाँ डार्लिंग, मैं समझ गया। तो ठीक है, मैं कल ही वाईफाई राउटर खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन प्रणव राउटर खरीद कर ले आया और घर में वाईफाई लग भी गया। रात के वक्त जब प्रणव गाने सुन रहा था, तभी अचानक कमरे में से अजीब आवाजें आने लगी और उस राउटर के पास धुआं इकट्ठा हो गया। उस धुएं में से अचानक एक डरावनी चुड़ैल भी निकली। भूत, सोना उठो ना, उठो, देखो भूत है सामने, भूत। ओहो भूत जी, जरा बाद में आइएगा, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, अभी आप जाओ यहाँ से। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या? ये भूत मेरी जान ले लेगा और तुम मुझे मरवाना चाह रही हो। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए प्रणव की ओर बढ़ी। तभी घबराहट में प्रणव के हेडफोन का तार मोबाइल से निकल कर गिर गया और मोबाइल के गाने तेज आवाज में बजने लगे। चुड़ैल गाने की आवाज सुनकर बेचैन होकर वहां से गायब हो गई। प्रणव काफी हैरान हुआ, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। आप पागल तो नहीं हो गए? आधी रात हो रही है और आप इतनी तेज गाने सुन रहे हैं? पागल तो तुम हो गई हो, पता है तुम्हें सामने एक चुड़ैल आई थी। नशा किया है क्या? आइए चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। सोना को प्रणव की बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन प्रणव काफी परेशान था और सुबह एक जाने माने तांत्रिक के पास गया। उसने सभी बात उस तांत्रिक को बताई। क्या हुआ बच्चा, यहाँ कैसे आए तुम? बाबा जी, मैं कुछ परेशान हूँ, कल रात मेरे घर में लगे वाईफाई में से अजीब सी चुड़ैल बाहर निकली और जैसे ही गाना बजा वह गायब हो गई और मुझे बहुत ही डर लग रहा है, शायद वो मुझे मार ही डालेगी, मुझे बचा लीजिए बाबा। ठीक है, तुम सारी डिटेल्स मुझे लिखवा दो, मैं अपने ध्यान में बैठकर उस चुड़ैल के बारे में पता लगाता हूँ। जी ठीक है। प्रणव ने सारा वाक्या बाबा जी को बता दिया। अपने मंत्र जाप से उन्होंने सारा वाक्या पता लगा लिया और वह जल्दी ही बाहर आ गए। क्या हुआ बाबा जी, कुछ पता चला? हाँ बच्चा, ये एक टेक्निकल चुड़ैल है जिसने कई सालों पहले एक खास वाईफाई का पासवर्ड बनाया था और उसी का ही इंतजार कर रही थी, और तुमने इत्तेफाक से उसे ही अपना पासवर्ड बना लिया, इसी वजह से वो तुम्हारे राउटर में से आ गई और हर रोज अब रात को राउटर से बाहर निकलेगी। पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, इसका उपाय भी है। पर बाबा जी, वो गाना बजते ही अचानक गायब कैसे हो गई? वो बात ये है बच्चा कि उस चुड़ैल को गानों से नफरत है और उसे नाच गाना या पार्टी से घबराहट होने लगती है, इसीलिए वह गायब होकर दूर चली गई। बस तुम इसी कमजोरी का उसका फायदा उठा सकते हो। वो कैसे बाबा जी? देखो, जब आज रात वह फिर से वापस आएगी
तो तुम जोर से गाना बजा देना, और जैसे ही वो बेचैन होकर इधर उधर भागेगी तुम फौरन राउटर को तोड़ देना। चुड़ैल भी मर जाएगी और तुम्हारी उपाय भी हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। प्रणव ने तांत्रिक को धन्यवाद कर घर वापस आ गया और घर पर सोना ने उससे सवाल पूछे, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे जी? मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। मैंने तुम्हें रात को बताया था ना उस चुड़ैल के बारे में, पर तुमने मेरा यकीन ही नहीं किया, इसीलिए एक तांत्रिक बाबा के पास गया था। मैं नींद में थी ना, इसीलिए मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। जाओ तुम यहाँ से दवा हो जाओ, अपनी नींद पूरी कर लो, मुझे रात को चुड़ैल को मारने की तैयारी करनी है। सभी तैयारी पूरी करने के बाद प्रणव रात का इंतजार करने लगा। अचानक चुड़ैल वहाँ आ गई। देखो मैं आ गई, हो हो हो, मैं आ गई, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आओ चुड़ैल आओ, दोनों गाना सुनते हैं। ओ नो, इसको बंद करो। तेज आवाज से चुड़ैल फिर से बेचैन हो गई और गायब हो गई। तुरंत प्रणव ने एक भारी डंडा उठाकर राउटर को तोड़ दिया और राउटर टूटते ही चुड़ैल भी वहां से चीखते हुए आई और तुरंत गायब हो गई। ओह शुक्र है ये मर गई। सोना, अरे सोना इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे डर क्यों रही हो, जल्दी से इधर आओ। क्या हुआ, चुड़ैल चली गई क्या? अरे हाँ, मैंने चुड़ैल को मार डाला और अब हम दोनों सुरक्षित यहाँ रह सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप तो वाकई बहुत बहादुर हैं। खुशी के मारे प्रणव ने सोना को गले से लगा लिया और फिर दोनों बेफिक्र होकर रात को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। चांदनी अपनी सौतीली माँ वसंता से बुरी तरह से प्रताड़ित होती जा रही थी और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। चांदनी बड़ी उलझन में थी कि आखिर वो करे तो क्या करे, इसलिए मजबूर होकर उसने अपने पिता से इस बारे में बताने की सोची। पापा, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? आप बस अपने काम में व्यस्त रहते हो, घर आते हो चले जाते हो, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप कब आए और कब चले गए। ऐसा लगता है आपको मुझसे कोई मतलब नहीं, माँ के साथ साथ मैंने शायद आपको भी खो दिया है। चांदनी के ऐसा कहने पर रविंद्र को बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आया और उसने तुरंत वसंता को बुलाया और उससे बात करने का निर्णय लिया। क्या तुमने मुझे बुलाया? मैं काम के लिए बाहर जाता हूँ, तुम तो घर पर रहती हो, पता नहीं तुम बच्चों की कैसी देखभाल कर रही हो। क्या तुमको कुछ खबर भी है कि वो कैसे हैं, खुश हैं या नहीं? हालांकि चांदनी को मैंने जन्म नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसकी अपनी बेटी की तरह देखभाल करती हूँ। और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, मुझे सब पता है। वो खुश है और मजे में है। वो बहुत उदास है, रो रही थी अभी, मस्त तो तुम हो। मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं बात करती हूँ इससे, तुम जाओ। रविंद्र के जाने के बाद वसंता ने चांदनी को घूर कर देखा। पापा के सामने पूछे लाने से कुछ नहीं मिलने वाला, अभी भी तो सीधी होने का नाम नहीं ले रही। मैं अभी भी कह रही हूँ सुधर जा, समझ ले कि मेरी बेटी की गुलाम है और वही है इस घर की रानी। अब जा और बर्तन धो। आंटी, आप मेरी माँ जैसी हो और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे क्यों इतनी तकलीफ देते हो? मैं ये सब सहन नहीं कर पा रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, अभी तो तूने सहा ही क्या है, देखना जब पूरा गांव और आसपास के लोग तुझ पर हंसेंगे और तेरे बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे, तब जाके पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंडक। मैंने ऐसी कौन सी बड़ी भूल की है जो आप मुझसे ऐसी बड़ी सजा देने की बात कर रही हो? तेरे पापा ने मुझसे शादी की ताकि मैं एक नौकरानी की तरह तेरी देखभाल करूं। मुझे तो रानी की तरह रहना था, लेकिन उसने मुझे नौकरों की तरह घर के सारे काम करने पर लगा दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ ना, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तुझे इस घर की कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। इतना
इतना कहकर वसंता वहां से चली गई। चांदनी फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन एक भिखारी उनके घर आया। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? पैसे नहीं तो खाने को। मैं एक कुत्ते की हड्डी भी नहीं देती हूँ और तू मुझसे पैसे और खाना मांग रहा है मेरे घर के सामने खड़े होकर। ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ तो दया दिखाओ। भिखारी को देखकर वसंता के दिमाग में अचानक एक खुराफाती विचार आया। उसने चांदनी को आवाज दी और उससे कुछ खाना लाने के लिए कहा। फिर उससे बोली, घर में जो भी खाना बचा है इसके लिए परोस दे और तू भी इसके साथ बैठकर खा। मना किया तो मारूंगी, समझ गई? बैठ के खा। आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो आंटी? अगर मैं उनके साथ बैठकर खाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर तुझे इस घर में रहना है तो वही कर जो मैं तुझसे करने के लिए कह रही हूँ। मेरे लिए तो तू भी एक भिखारी है, तुझे भी बचा खुचा ही मिलना चाहिए। बात नहीं मानेगी तो समझ ले फिर। चांदनी उस भिखारी के बगल में बैठ गई और खाने लगी। चांदनी की हालत देखकर उस भिखारी को भी उस पर दया आ गई। भिखारी ने वहां से चले जाने की सोची ताकि चांदनी को अपमान न लगे। उदास मत हो बच्ची, जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है वैसे ही तेरी जिंदगी भी अच्छी होगी। उदास मत हो, भगवान सब देख रहा है, रो मत बेटा। ऐसा कहकर वो भिखारी वहां से चला गया। सुबह से ही चांदनी लगातार काम में लगी हुई थी और बहुत थक चुकी थी। अब वो बहुत धीरे धीरे बाकी के काम कर रही थी। उसे ऐसे बेहाल देख वसंता ने उसे परेशान करने की सोची। कहां मर गई? क्या फिर से सपनों में खो तो नहीं गई? मेरे कपड़े कैसे फैले पड़े हैं और गंदे भी दिख रहे हैं, हर जगह दाग हैं। धोए नहीं क्या तूने? बोला था ना कल तो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे और इस्त्री भी। तो फिर कपड़ों पर दाग कहां से है? हर बार सब कुछ मैं तुझे आकर बताऊं क्या? अगली बार अगर कपड़ों पर एक भी दाग दिखा तो तेरी खूब पिटाई होगी। हाँ, वसंता के कहने पर चांदनी धुले हुए कपड़ों को फिर से धोने लगी। इसके बाद वसंता ने उसे फर्श पर फिर से झाड़ू लगाकर पोछा करने के लिए कहा। थकी हुई चांदनी का और भी बुरा हाल हो गया। वो बहुत दुखी थी और कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर वो अपनी माँ से बोली, अब मैं और कुछ नहीं कर सकूंगी, ऐसा लग रहा है कि या तो मर ही जाऊंगी आज तो। तू क्या सोच रही है कि तेरे ऐसे कहने पे मैं तुझे छोड़ दूंगी? अपना नाटक बंद करना, कुएं से पानी खींच। मैं सच कह रही हूँ आंटी, चक्कर आ रहे, अब मैं काम नहीं कर सकती। बस आज के लिए छोड़ दो, कल कर दूंगी बचा हुआ काम, प्लीज आंटी। इतना कहकर वो चली गई और जाकर सो गई। तब तक रविंद्र भी घर आ गया। क्या तुमने चांदनी से बात की? क्या कहा उसने? वो मेरी बात कहाँ सुन रही है? उसे मुझसे कोई लगाव ही नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो वो मुझसे नाराज ही होगी, स्टोर रूम में जाकर सोई पड़ी है। अच्छा, ऐसी बदतमीजी, लगता है उसके साथ सख्त होना पड़ेगा। रविंद्र गुस्से में स्टोर रूम में गया और उसने चांदनी को बाहर बुलाया। अपने पिता की आवाज सुनकर चांदनी तुरंत बाहर आ गई। तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर रही? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करने पर मजबूर मत करो, बड़ों की बात मानना सीखो। पापा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि। फिर से शिकायतों का पुलिंदा खोलकर मत बैठो, अब से मैं तुम्हें एकदम चुस्ती से काम करता देखूं। अपने पिता की बातें सुनकर चांदनी का दिल टूट गया। उसने सोचा नहीं था कि उसके पिता उसको छोड़ वसंता की बातों पर विश्वास करेंगे। उसे लगा जैसे उसका अब कोई नहीं रहा।